हेलो गाइस, नेम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एनटीए यूजीसी का नेक्स्ट के लिए चौसर वर्क्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रॉयलस एंड क्रिसेंट। द स्टोरी ऑफ ट्रॉयलस एंड क्रिसेंट वाज फर्स्ट टोल्ड इन द इंटरवोवन एपिसोड्स इन अ लॉन्ग फ्रेंच पोएम ऑफ द मिड 12th सेंचुरी द रोमन डे ट्रॉय ऑफ बाय बेनोइट डे सेंट SAINTEMAURAE सेंट। तो जो द जो ट्रॉयलस और क्रिसेंट जो है वो सबसे पहले एक लंबी फ्रेंच पोएम के अंदर लिया गया था एपिसोड से, जो कि मिड 12th सेंचुरी के अंदर बनाई गई थी। और ये इसका नाम था द रोमन डे ट्रॉय, जिसका राइटर था बेनोइट डे सेंटेमेयोरे। मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है फ्रेंच पोएम है रोमन डे TROIE। ये फ्रेंच पोएम थी जिसको लिखा था बाय बेनोइट डे तो ये फ्रेंच पोएम थी जिससे इसको लिया गया था। ये मिड ट्वेल्थ सेंचुरी के बीच में थी। और जो इसमें हिस्टोरिकल इवेंट है अंडरलाइंग दिस पोएम वाज अ ट्रोजन वायर, इसके अंदर ट्रोजन वार था। हिस्टोरिकल इवेंट जो था वो था ट्रोजन वार, हिस्टोरिकल इवेंट ट्रोजन वार, जिसको रिकॉर्ड किया था होमर ने उसके इलियाड में। तो इसका एक जियोवानी बोकेसियो फ्रीली डिपेंड्स ऑन एन अल्टर्स बेनोइट मटेरियल टू कंपोज हिज ओवर पोएम सेकंड फिलोस्ट्रेटो इन द लेट 1330s। अब ये जो इसका जो सोर्स था, जो सेकंड फिलोस्ट्रेटो था, इसका जो सोर्स था सेकंड, इसका जो सोर्स था वो ये था सेकंड फिलो स्ट्रेटो, ये इसका सोर्स, ये इसकी सोर्स थी जो जेफरी जिसको जेफरी चौसर के ट्रॉयलस और क्रिसेंट के अंदर लिया गया था। अब चौसर फ्रीली चेंजेस एंड अल्टर्स हिज सोर्सेस सो मच दैट हिज पोएम इज एसेंशियली न्यू। ट्रॉयलस एंड क्रिसेंट वाज रिटन बिटवीन 1381 एंड 1386 1381 और 1386 के बीच में लिखी गई थी। अब इसके ये स्टोरी जो स्टार्ट करते हैं, द स्टोरी इज अबाउट ट्रोजन प्रिंस। एक मिनट को साफ करता हूँ। ये जो स्टोरी है इसके अंदर क्या है, ट्रोजन प्रिंस है। ट्रोजन प्रिंस इसका नाम है ट्रॉयलस। ये ट्रोजन प्रिंस है ट्रॉयलस, जो इसका बेटा है सन ऑफ प्रियाम। ये सन ऑफ प्रियाम का बेटा है, ऐसे सन ऑफ प्रियाम है, मतलब प्रियाम का बेटा है। हु इज किंग ऑफ ट्रॉय, जो कि है राजा ट्रॉय, जो है ट्रॉय का राजा। हु फॉल्स इन लव विद अ लेडी कॉल्ड क्रिसेड, जो किससे प्यार में पड़ जाता है, क्रिसेड नाम की लेडी से। विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड पेंडारस, इसका दोस्त था पेंडारस, इसका एक फ्रेंड था पेंडारस, जो हु इज क्रिसेड्स अंकल, ये इसका दोस्त था जो क्रिसेड का अंकल था। ट्रॉयलस विन क्रिसेड लव, अब ट्रॉयलस क्रिसेड का लव जीत जाता है। एंड एट अ टाइम ऑफ लव एंड प्रॉस्पेरिटी फॉलोज विच एंड व्हेन द ग्रीक्स कैप्चर द ट्रोजन वार एंटेनर
एंटेनर, ये था एंटेनर। ये जब एंड होता है, जब ग्रीक जो थे वो कैप्चर कर लेते हैं ट्रोजन वॉरियर एंटेनर को। अब क्रिसेड और एंटेनर जो थे, उन्होंने क्या किया, क्रिसेड एंड एंटेनर आर एक्सचेंज हैंड्स, ट्रोयलस एंड क्रिसेड आर सेपरेटेड। अब यहाँ क्या होता है, क्रिसेड और एंटेनर एक्सचेंज हो गए, तो ट्रोयलस और क्रिसेड अब अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। इन द ग्रीक कैंप क्रिसेड इज कोटेड बाय द ग्रीक वॉरियर एंड द किंग डायोमेडिस, हु एडवाइजेस हर टू फॉरगेट द सिटी ऑफ ट्रॉय एंड हर लवर ट्रोयलस। आफ्टर सम हेजिटेशन क्रिसेड फॉल्स फॉर डायमेडिस एंड बिट्रेस ट्रोयलस। अब क्या होता है, बाद में क्रिसेड जो है डायमेडिस नाम के व्यक्ति से, डायमेडिस नाम के व्यक्ति से प्यार हो जाता है इसको, और ट्रोयलस को धोखा दे देती है, छोड़ देती है। ट्रोयलस बिकेम एक्वेंटेड विद एंड सब्सिक्वेंटली सफर्स फ्रॉम द लॉस ऑफ हिज अर्थली लव आफ्टर हिज डेथ। फिर उसके बाद आप उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद ट्रोयलस लर्न्स अबाउट एटर्निटी एंड एटर्नल लव। ये जो स्टोरी थी लव और एटर्नल लव के बीच की थी, इसमें क्या होता है, ट्रोयलस और क्रिसेड दो प्यार करने वाले होते हैं, जिसमें ट्रोयलस का एक दोस्त होता है जो जिसका नाम था पेंडरस, जो अब इसके बाद एक ग्रीक वॉरियर, एक ट्रोजन वॉरियर था ग्रीक ने, जिसको कैप्चर कर लिया था, जिसका नाम था एंटेनर। तो बाद में क्या होता है, क्रिसेड और एंटेनर एक्सचेंज हो जाते हैं, इसलिए ट्रोयलस और क्रिसेड का लव सेपरेट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, अब क्रिसेड को न्यू डायमोडेस से प्यार हो जाता है और वो छोड़ देती है ट्रोयलस को। तो इसी चीज़ में ट्रोयलस को बहुत बुरा लगता है, और उसकी डेथ के बाद ट्रोयलस उसका एटर्निटी और एटर्नल लव के बारे में सीखता है। तो थैंक यू टू एंड देन सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियोस एंड थैंक्स।